आप उस अनीसुद्दीन को बता दीजिए कि ये अनीस मिर्जा जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कैसी लग रही हूं मैं? वो बुड्ढा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे अपनी बात कर रही हूँ। फहमीदा, तुम ना मुझे बड़ी अजीब सी लगने लगी हो। और तुम मुझे हमेशा से गरीब सी लगती हो। अकल से भी गरीब और शकल से भी गरीब। तुम करना क्या चाह रही हो? शादी? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम शादी करोगी। बचपन से जब तक तुम जीत ना जाओ ना, तब तक हारती रहती। वो बचपन था। वही तो, वो बचपन था और अब जवानी। बातें अच्छी कर लेती हो। ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मैं और मेरा बुड्ढा साथ में। देखो ना, ये अच्छी है। तुम ही देखो। अरे भला मुझसे अच्छा कोई होगा? पागल। दुनिया जान ही गई। और आपने हमें क्यों नहीं बताया कि गुस्सा इतनी बुरी चीज होती है, इसके इतने नुकसानात होते हैं? बहुत दफा दिल किया लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आप पर दोबारा कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम ये कह रहे थे कि हम आपके पेरेंट्स की इज्जत करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे बहुत डिफरेंट है। अरे यासमीन बाजी, अरे अब तो आप फोन भी नहीं उठाती। आप बस सलमान के रिश्ते के लिए लेके जा रही थी ना? मेरे बेटे ने तलाक दी उसे। क्या बेहुदा बातें करने बैठ जाती हैं? क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं। अम्मा क्या हुआ? तुम्हें उसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। पता नहीं कैसी कैसी मुझे लोगों से बातें सुननी पड़ती है। पूरी जिंदगी ही मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। तो उसे कहती ना कि मेरे बेटे के पीछे आज तक पागल है वो। उसने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने उसे छोड़ा है। वो तो आज तक मेरे बेटे के पीछे है। जी जी डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इस पॉइंट पर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ख्याल रखूंगा जी तुम्हारा। जी जी असद से मेरी बात हो गई है। वील बी विजिटिंग सून। आई नो इस वक्त रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। सोच नहीं सकते थे इस तरह करेंगे। जान प्लीज परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए। बदतमीज अनीसुद्दीन हमारे साथ ऐसी बदतमीजी से बोलेंगे? पी जान, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है और बीवी को देखकर शोहर अपने रंग ढंग ही बदल लेता है। ये क्या बोल रही हैं आप? बीजान छोड़िए, आप जाने दीजिए इस बात को। जाने ही तो दिया है हमने। अनीसुद्दीन कमजोरी है हमारी, मगर हम किसी के आगे
कमजोर नहीं पड़ना चाहते। जान प्लीज आप अपने आप को संभालिए। क्या करें, ये दिल नहीं संभल पा रहा। बीजान, हम बात करते हैं अनीस से। कोई जरूरत नहीं। पर खैरुन्निसा, कहा आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बीजान। पर जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत करने से सब कुछ नहीं होता। मोहब्बत के साथ अगर इज्जत ना हो तो मोहब्बत दो कौड़ी की रह जाती है। बीजान, आप परेशान ना हो। हम परेशान नहीं हैं, हैरान हैं। ये कितना अरसा हुआ है अनीस मियां की शादी को? ये कोई 2 महीने जी। बीजान, आपको नहीं लगता कि 2 महीने बहुत कम है? हमारे सफीरुद्दीन भी तो थे, पूरे शादी के साल भर बाद हुए। आपके सफीरुद्दीन थे, ये आप कहना क्या चाह रही हैं? वो बीजान, हम खैरुन्निसा, आपकी कोई बात अनीस मियां से हुई है क्या? नहीं बीजान। फिर ऐसी बात आइंदा मत कीजिएगा। हमारे सर में दर्द हो रहा है, आप लोग जाइए यहां से। बीजान, आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं। सर दबाने की कोई जरूरत नहीं, जाइए यहां से, जाइए। अनीसुद्दीन, आपने अच्छा नहीं किया। आज मैंने गोश्त पकाया है आपकी पसंद का। चले, और चाहिए होगा तो और ले लीजिएगा। ले, और साथ मैंने आज उबले हुए चावल भी बनाए हैं। चलो। क्या हुआ है? जी नहीं जा रहा खाने को। क्यों, क्यों जी नहीं जा रहा? आप कह रहे हैं तो मैं आप ही को कॉल कर लूं? हाँ हाँ कर लो। नहीं, सुनिया ने मना किया। मैं कहता था ना तुम्हें, शादी के मामले में ज्यादा जल्दबाजी नहीं किया करो। कोई जल्दबाजी नहीं की, सही वक्त पे शादी की है। क्या है उनको, अच्छे भले तो हैं? एक बेटी नहीं है हमारी, इतनी सारी बेटियां हैं, सबकी सब जवान हो गई हैं। जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी ही नहीं होता। लो, ये भी बोलने लगी अफलातून कहीं की। समझदार तो तू ही है हमारे घर में। जिंदगी का मकसद शादी नहीं होता, और क्या होता है? सिर्फ कब्बा उड़ा, चिया उड़ी। बेटियों की उम्र निकल जाना तो फिर कोई रिश्ता नहीं आता, बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है। अच्छा भला रिश्ता आया था, मना कर दिया। हैं? कहां से रिश्ता आया था? इतना अच्छा रिश्ता आया था, वो अपनी जाहिदा है ना अनीस, उसका दोस्त है कोई लंदन में रहता है, उसका रिश्ता आया था। यहाँ जो रह रहा है वो अपने आपे में नहीं रहता, तो लंदन वाले का तो भाई अल्लाह हाफिज होगा। देखो बात सुनो साजिदा, मैं अपनी बेटियों की शादियां देखभाल के करूंगा। हाँ, जैसे पहले देखभाल की किया था। कुछ देखा था पहले? तो क्या मैं अंधा हूं? है? देख नहीं सकता मैं? अंधे नहीं है, लेकिन देखा नहीं है आपने रिश्ता, मैंने देखा है। हाँ तो पहले नहीं देखा था, अब तो देख लूंगा ना। लेकिन मैं अपनी बच्चियों की शादी किसी अच्छे से करूंगा, सोच समझ के करूंगा, समझी? कहां से मिलेगा आपको अच्छा रिश्ता? बेटियां देखी अपनी? अच्छे से करूंगा, आएगा अच्छा रिश्ता दे इनके लिए। अरे खाना तो खा। नहीं खाता मैं। अरे मेरे ऐसा क्या कह दिए? नहीं खाते, ना खाए, बाहर में जाए मेरी तरफ से। बाप बेटी के नखरे ही नहीं मान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, नहीं आई? क्या वो ही जिसके लिए अम्मा परेशान थी? नहीं, मैं फोन ही देख रही थी। तो देख लीजिए। क्यों? वरना अब आपको देख लेंगे और फिर कोई अनीस भाई जैसा देख लेंगे। अनीस भाई तो बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं पुप्पो वाले अनीस भाई की बात कर रही हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? और बच्ची हो तुम, ऐसी बातें नहीं किया करो। 15 साल की हो गई हूँ मैं। आपको पता है उस दिन अम्मा कह रही थी जब वो 15 साल की थी ना तब उनकी शादी हो गई थी। तो कुछ नहीं, ऐसे ही बता रही थी। क्या होगी? मतलब है कि 15 साल की हो गई है तो इनकी शादी कर दी जाए। यहाँ तो किसी को कोई काम ही नहीं है। शादी 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 नहीं है, जैसे कोई खेल हो गया। बीजान, जब औलाद हद से गुजर जाए तो उसको जाने और आने की इजाजत की जरूरत नहीं लेनी पड़ती। पर बीजान, खामोश रहिए, ये ड्रामे बंद कर दीजिए। हमें मालूम है कि सब सिखाई आपकी है। बस कर दीजिए बीजान, कुछ नहीं सिखाया है उन्होंने हमें, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अपनी आवाज नीचे रखिए अनीस मियां, कहीं आपका किरदार नीचा ना हो जाए। हमारी आवाज नहीं चाहिए, और वैसे भी अब हम जाना चाह रहे हैं। जान, बस जायदा को लेकर बाहर घूमने फिरने जाना चाह रहा था। लोग कहते हैं ना कि बीवी आ जाने के बाद बेटा बदल जाता है। मेरे ख्याल से अनीस मियां को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा ही करना चाहिए था। बीजान के लाडले जो ठहरे, हैरत की बात है। आपको गुस्सा आ रहा है? क्यों, क्या हमें गुस्सा नहीं आ सकता? आपको तो बहुत अच्छी लगने लगी थी ना वो। जी, हमें वो अच्छी लगने लगी थी, बल्कि हमें वो उसी दिन से अच्छी लगने लगी थी जिस दिन वो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आई थी। और वैसे भी बदतमीजी अनीस मियां ने की है, जाहिदा ने नहीं। पर करवाई तो जाहिदा नहीं थी ना। आप तो जानती हैं अनीस मियां के मिजाज को, शादी से पहले भी वो सबके साथ इसी तरह बदतमीजी किया करते थे। भूल गई आप? जो भी हो, जो भी कुछ हो रहा है वो जाहिदा करवा रही है। शॉपिंग पर लेकर गए हुए हैं। आपके कहने से क्या होता? Excuse me? सब लोग पूछ रहे थे कि कौन है, क्या है। अम्मा को भी क्या जरूरत थी बात पक्की होने पे मिठाइयां बांटने की? अम्मा बस खुश होना चाहती थी, दुनिया वालों को तो कहना चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो रही है। पता है मुझे, तुम लोगों की शादी जल्द से जल्द हो जाना तो जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएं। पता नहीं मसले हल होते हैं या मजीद और उलझ जाएंगे। बातें क्या करो, बातों से क्या होता है। अच्छा वो हमीदा खुश तो है ना? हनीस वो हद से ज्यादा खुश है, और यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों?
तुम जानते हो ना फहमीदा को, बचपन से उसे हार मानने की आदत नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कर सकती। वो फहमीदा कुछ भी कर सकती है। जान, यहां बैठ सकते हैं हम? बैठिए। बहुत शर्मिंदा है बीजान, इतना शर्मिंदा कि जाकर भी आपसे नजरें नहीं मिला सकते। जानते हैं हमने आपका दिल दुखाया, तकलीफ पहुंचाई है आपको, कहते हैं ना कि बीवी आ जाने के बाद बेटा बदल जाता है। हमने तो इस बात को सही साबित कर दिया। लेकिन हम क्या करें भेजा, हुए भी हमें और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पता नहीं जिंदगी हमसे कौन सा इम्तिहान ले रही है। एक रास्ते पर चलते हैं तो दूसरा बंद हो जाता, और दूसरे पर आते हैं तो पहला वापस बुला लेता। लेकिन यकीन कीजिए, हमने ऐसा जानबूझ कर नहीं किया। साहिदा अगर हमारी जिंदगी से चली भी गई तो हम शायद जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। लेकिन आप ही तो हमारी जिंदगी है, आपके बिना कैसे रहेंगे? चंद लम्हों के लिए भी जब मौत के करीब छोड़ कर जाएंगी आप हमें, तो हम वापस कभी नहीं आएंगे बीजा, कभी नहीं। तो जिंदगी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? हाँ, जिंदगी के साथ हम सब जैसा चाहें वैसा सलूक करते हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि जिंदगी वो वाहिद चीज होती है जो सिर्फ आपकी होती है, आपकी अपनी। और यकीन कीजिए बीजान, आपसे ज्यादा हमारा अपना और कोई नहीं है। हम जायदा के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, अपनी हर बात मनवाते हैं और उसकी एक भी बात नहीं मानते। डॉक्टर ने हमसे कहा है कि अगर वो इसी तरह स्ट्रेस लेती रही तो हमें वो खुशी नहीं दे पाएगी जो आपकी ख्वाहिश है। तो क्या ये सब आपने हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया? बिल्कुल भी जान, आपकी ख्वाहिश और हमारी जिद
जीते रहिए अनीस मियां, आबाद रहिए। सब आपने हमसे नाराज नहीं, कभी नहीं, हर किस नहीं। तो सारा काम मुझसे कर। तुम्हारा फोन किधर है? पता नहीं, वो मेरी मंगनी की तस्वीरें थी ना। तुम खुश तो हो? अरे हाँ भाई, मैं खुश हूँ। हर कोई मुझसे यही सवाल क्यों कर रहा है? देखो फहमीदा। नहीं देखना। सुनो तो सही, क्या है? मैंने अनीस से बात की थी और मैंने उसे कहा है जब तक फहमीदा जीत ना जाए ना, वो हार नहीं मानती। और वो पागल हमेशा हारता था। देखो मेरी बहन, इस बार तुम्हारी हार में ही जीत है। तुमने बोल दिया और मैंने सुन लिया। पता नहीं क्या हारना है मुझे, पूरा घर ही पागल है। एक यही सही है। मुझे तो लगता है एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगी। खूबसूरत परियां हैं, मेरी परी जैसी। अलिफ मद आ, बे अलिफ बा। अरे परी को याद किया, मुझे लगता परी का फोन है। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? तुझे ही याद कर रही थी। मैं ठीक, हमेशा की तरह खूबसूरत। आप कैसे हैं? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता, कोयल बोल रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी परी कूक रही है। तू भी कोयल की तरह खूबसूरत बोलती थी, घर में चहचहाती फिरती थी। बहुत याद आती है मुझे। पहले तो मैं लोगों को याद करती थी और रिश्तेदारों को भी करती थी, अब सिर्फ मुझे मेरी परी याद आती है। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ अम्मा। आपको पता है, आपका ही दिया हुआ कुर्ता देख रही थी, इतना प्यारा सिया है आपने। अरे चल झूठी, अगर माँ तुझे याद आती हो तो तू मुझे मिलने नहीं है अपने मास्टर से पूछ के? अम्मा दिल तो मेरा भी बहुत करता है आपसे मिलने आने को, पर क्या करूँ, मसरूफियत इतनी होती है। और जो भी फ्री टाइम होता है ना, अनीस बस शॉपिंग ही कराते रहते हैं मुझे। अरे वाकई शॉपिंग करने गई थी? लेकिन सुन, देख ज्यादा कपड़े जूतों में पैसे जाया मत करना। सोना खरीदना, सोना मुश्किल में इंसान के काम आता है। अम्मा क्या अम्मा में लगाई हुई है? तो अच्छी तरह जानती है तुम्हारी माँ बेशक अनपढ़ है, लेकिन जो बोलती है सच बोलती है, दूर की सोच के बोलती है। अच्छा ठीक है, वो भी खरीद। खुश? आप बताएं शायदा कैसी है? अरे गोली मार शायदा को मेरी बला से, पता नहीं कहाँ होगी। उसके तो दिमाग ही आसमानों पे। अच्छा भला रिश्ता आया था लंदन से, इनकार कर दिया मोहतरमा ने। रिश्ता? शायदा का रिश्ता आया था अम्मा? मुझे तो नहीं पता, कौन सा रिश्ता? अरे वही ना जो वो क्या कहते हैं, फ्रेंड फ्रेंड फेसबुक पे वो। अम्मा वो रिश्ता नहीं होता है, ठीक है, उसे रिश्ता नहीं कहते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है अनीस को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अरे क्यों, पसंद नहीं आएगा? अच्छा अम्मा बाद में बात करें। हाँ मैं आराम से आपको कॉल करूंगी। कुर्ते के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत प्यारा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा भला लंदन से रिश्ता आया था, बेगम साहिबा के मजाज ही नहीं मिलते, बिल्कुल दिमाग खराब है इन सबके। पागल है वो दोनों तुम्हारी बहनें। पता है अम्मा मुझे, इस घर में सिर्फ मैं और आप दे ही ठीक है। चुप, ज़बान को ज़्यादा कैंची मत लगा, बखिये उधेड़ के रख दूंगी तुम सबके। पढ़ाई पे तवज्जो दिया करो। पढ़ ही रही हूँ अम्मा। आप पढ़ रही हो, वो तो इम्तिहानों में पता चलता कितना पढ़ा है कितना नहीं। जुमले लिखने तो आते नहीं है। राशिदा ये देखो, वो साजिद ज़हीर है ना, वो हीरो, उसकी बीवी उसकी शादी को पूरे 2 महीने हो गए, वो लोग मंथ बर्सरी मना रहे हैं। दिखाओ। हाँ लग तो हो ही रहा है। क्या उनकी शादी की सालगिरह है? नहीं अम्मा, ये बड़े लोग हर महीने 2 महीने पर केक काटते हैं। आप पापा को भी देखिएगा, वो भी कैसे आज केक काटती है।
उसकी शादी को 2 महीने हो गए? हाँ, उनकी भी शादी को आज पूरे 2 महीने हो गए ना। सोच रही हूँ काश उसके ससुराल वाले भी केक काटते। अरे क्या पता उसने मुझे इसीलिए फोन किया हो। पूछने। अरे मुझे तो नंबर ही नहीं मिल रहा। काश मैं पढ़ी लिखी होती, नंबर तो ढूंढ सकती। ले पकड़, ढूंढ के दे। क्या बात है बीजान? ये अनीस मियां, बात तो सुनिए। बच्चे इतने बड़े नहीं होते खैरुनिसा कि वो बड़ों से भी बड़े हो जाएं। आप भूल गई हैं क्या? माफ कर दीजिएगा बीजान, आप अनीस से बात करके लेकिन अनीस तो घर पे नहीं है शायद। जब वो आए हमसे बात करवा दीजिएगा। जी अच्छा। फिगर की कोई बात नहीं है, मैंने अनीस को रात को समझा दिया है। बच्चे अल्लाह की मर्जी से होते हैं, 2 महीने 3 महीने कोई कैसे गारंटी कर सकता है? और अल्लाह की तरफ से काफी दफा बच्चे नहीं भी होते। गलती मेरी ही थी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। 2 महीने हो गए अनीस की शादी को, अब पता ही नहीं चला। खैर पता तो बहुत चला, और अभी आगे और पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक। एक सेकंड। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनीस, और घर पहुंच गई। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम लाई हूँ, निकाल के लाओ। नहीं आप खाइए, खाते रहते हैं हम आइसक्रीम। मैं भी बहुत शौक से खाती थी, पता है कुल्फी मैं तो बच्चों की भी छीन के खा जाती थी। आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, और आप तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। मैं आपके लिए आइसक्रीम निकाल के लाती हूँ ना। नहीं थैंक यू, कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो आप जश्न मना रही हैं? खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है, इसके लिए तो सिर्फ मोहब्बत की जरूरत होती है। अनीस मेरे से खुश हैं, मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। पता है मुझे लगता था ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, पर जब से मुझे हुई है तो लगता है मोहब्बत ही सब कुछ होती है। I'm sorry, जरा जज्बाती सी हूँ मैं। कोई बात नहीं, जज्बाती लोग बहुत अच्छे होते हैं। और बुरे लोग और भी ज्यादा जज्बाती होते हैं। खैर वो बीजान आपके बारे में पूछ रही थी। मैं सोच रही थी याद कर रही होंगी मुझे 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने अनीस को रात को समझा दिया है। बच्चे अल्लाह की मर्जी से होते हैं, 2 महीने 3 महीने कोई कैसे गारंटी कर सकता है? और अल्लाह की तरफ से काफी दफा बच्चे नहीं भी होते। तो वो मालिक है, खुदा है, जिसको चाहे दे जिसको चाहे ना दे। बच्चे बीजान की ख्वाहिश, और उन्होंने कहा था कि शादी के 2 महीने के अंदर बच्चा हो जाना चाहिए, वरना वरना क्या तलाक दे देंगे वो मुझे। सासों के 1000 बार कहने से भी 1 बार भी तलाक नहीं होती। I'm sorry, जान पे बनाई, और इस सॉरी ने मेरी जान बचाई है। सॉरी भी बहुत ही मजे की चीज है वैसे, है ना? मैं आइसक्रीम निकाल के लाती हूँ आप लोगों के लिए, डाइनिंग टेबल पे लगाती हूँ। हाँ सॉरी ने जान बचा दी तो जान पर बनाई थी, इसकी तो मैं
बीजान। अरे क्या हुआ शगुफ्ता मन्नान? अरे शगुफ्ता मन्नान, अनीस नेशनल स्कूल की एक टीचर, बहुत मोहब्बत है उन्हें हमसे। बीजान, सखी का कुछ करना पड़ेगा। अनीस की बीवी का कह रहे हो? पहले तो सिर्फ किरदार खुला था और अब इसकी जबान भी खुल गई है। और खुला हुआ किरदार ना खुली हुई जबान से कम तकलीफ देता है। हुआ क्या है? पहली बात तो हम आपको बता ही नहीं सकते, लेकिन इनका कहना यह है कि अगर सास 1000 बार भी तलाक कह दे तो तलाक नहीं होती। 2 महीने हो गए, फिर किस बात की खामोशी? अनीस की मोहब्बत आपके वकार से ज्यादा है क्या? तो ये बात थी। बातें तो और भी थी, मगर आप हमारी माँ हैं और हम। बेटा अनीस आ गए क्या? नहीं जान, बुरा होना इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा लगना होता है। हमें अनीस मियां से बात करनी होगी और उसे जाहिदा बीबी को तलाक देना ही होगी। आपकी बात नहीं टालेंगे वो। अनीस आप ये टहलना बंद करेंगे? साहिदा इस वक्त हमें बहुत गुस्सा आया हुआ है। जानती हूँ, पर हो गई ना गलती, सॉरी कर तो दिया आपसे। अब क्या है, इंसानों से ही होती है ना गलती। ठीक है साहिदा, हम मानते हैं कि गलती इंसानों से होती है, लेकिन गलती पर गलती जो इंसान करता है उसे क्या कहते हैं? वो उस इंसान से होती है जिसे ये बात पता होती है कि सामने वाले का प्यार उसकी गलती से बहुत बड़ा है। ऐसा इंसान बहुत आराम से गलती पे गलती कर सकता है। प्लीज साहिदा। अच्छा एक डील करते हैं, सुने ना। अच्छा पर डे के हिसाब से सिर्फ 2 या 3 गलतियां। अच्छा चले एक आधी। क्या है इंसान को? प्लीज मुझे इंसान रहने दें, फरिश्ता मत बनाए। देखिए साहिदा, हम चाहते ही क्या है, सिर्फ इतना ही कि हमारी फैमिली एक्सटेंड हो जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिली बढ़े। फिर बच्चे? साहिदा मसला क्या है आपका? मसला ये है अनीस के शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? ये मेरे हाथ में नहीं है अनीस, अल्लाह के हाथ में। बल्कि आप एक काम करें, मेरा गला दबा दें, चली जाती हूँ अल्लाह मियाँ के पास, पूछती हूँ कि क्यों नहीं हो रहे मेरे बच्चे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहां जाऊंगी ना तो वापस आने की इजाजत नहीं होगी। ज़ायदा प्लीज मत कीजिए ऐसी बातें। क्या है अनीस, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे हों, लेकिन मैं क्या करूं? हम कुछ नहीं जानते। ज़ायदा प्लीज बात मुकम्मल करके जाइए। क्या हुआ, क्या क्या हुआ है? वो मैं चीख मार के देख रही थी कि अगर मैं कभी खुदकुशी करूंगी तो मुझे कितनी जोर से चीखना होगा। आप पागल हो गई हैं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो आप मुझे आप कहना बंद करेंगे, अजीब बुजुर्ग जैसा लगता है मुझे अपना। यकीन कीजिए अगर आपकी जगह कोई और होता ना, हम उसकी जान ले लेते। अरे अरे इतना गुस्सा, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? मसला क्या है आपका? हमारा मसला ये है कि हम आपको खोना नहीं चाहते, हम आपसे मोहब्बत। क्या क्या कहा आपने?
उनसे मोहब्बत? देखिए आप अंदर अंदर आइए, अंदर चलते हैं। अनीस आप शर्मा रहे हैं। शर्माते हम किसी से नहीं शर्माते। आप शर्मा रहे हैं अनीस, आपको हमसे मोहब्बत करने में शर्म आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है बस। आप शर्मा रहे हैं, देखिए अभी भी शर्मा रहे हैं। शर्मा रहे हैं ना। दिन रात तुम मेरी सांसों में बिखरे बिखरे से रहते, मैं खुद को समेटू कैसे जानू, तुम मेरे अंदर रहते। कैसा लगा? कहीं बाहर चले, चाय बना के लाऊं आपके लिए? बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं खड़े रहते। बीवियों से बातें करना अच्छी बात नहीं होती। बीवियों से ही बात करना तो अच्छी बात होती है। आप हमारे साथ यहाँ खड़ी रहिए, देखिए मौसम कितना अच्छा है और आपको देखने का दिल चाह रहा है। लेकिन साहिदा जो कह रही हैं वो भी ठीक यही ना कि माँ के कई दफा कहने के बावजूद भी एक दफा भी तलाक नहीं होती। नहीं भी जाने, सर ऐसा कैसे हो सकता।